नमस्ते बच्चों। बच्चों आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ का नाम है वचन। वचन मीन्स नंबर। बच्चों वचन संख्या बताने वाले शब्द होते हैं। ज़्यादातर संज्ञा शब्द अर्थात व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, वस्तु, स्थान आदि संख्या में एक या अनेक होते हैं। संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संख्या का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। जैसे लड़की किताब पढ़ रही है, लड़कियां किताब पढ़ रही हैं, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। उपरोक्त चित्र में लड़की और बच्चा संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़कियां और बच्चे संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अतः संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों आदि का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब का किताबे, लड़का का लड़के, गधा का गधे। अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। हम पढ़ेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या प्राणी आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, कुर्सी, पुस्तक, तीनों शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां, कुर्सियां, बिल्लियां, तीनों शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। आगे हम सीखेंगे वचन परिवर्तन। मतलब वचन कैसे बदलते हैं। इस तरफ सभी शब्द लिखे हुए हैं, इनकी संख्या एक है, और इधर सामने है बहुवचन, एक से अधिक। लड़का का बहुवचन है लड़के, गधा का है गधे, पंखा का पंखे, पैसा का पैसे, बच्चा का बच्चे, आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें, मेला का मेले, कपड़ा का कपड़े, चूहा का चूहे, पत्ता का पत्ते, चादर का चादरें, गेंद का गेंदे, चिड़िया का चिड़ियाँ, नदी का नदियाँ, तितली का तितलियाँ, लड़की का लड़कियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ, माला से मालाएँ, माता से माताएँ, बहू से बहुएँ। बहुवचन बना रहे हैं ना, तो बड़ी की मात्रा छोटी हो जाती है। कविता से कविताएँ, सब्जी से सब्जियाँ, बकरी से बकरियाँ, बिल्ली से बिल्लियाँ, मिठाई से मिठाइयाँ, कक्षा से कक्षाएँ, कथा से कथाएँ, सभा से सभाएँ। तो बच्चों हमने क्या सीखा? वचन संबंधी कुछ बातें हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए। वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे तोता उड़ रहा है, एक संख्या है तो उड़ रहा है, और तोते उड़ रहे हैं, बहुवचन है तो उड़ रहे हैं। पहले चित्र में संज्ञा शब्द तोता एक वचन है, इसीलिए क्रिया रहा है एक वचन है। दूसरे चित्र में संज्ञा शब्द तोते बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी रहे हैं, बहुवचन का ही प्रयोग किया गया है।
कभी कभी सम्मान देने के लिए भी एक वचन संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी कल जयपुर जाएंगे। कुछ शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप होता है। जब हम एक वचन का बहुवचन में प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? बड़ों को आदर देने के लिए या एक से ज़्यादा के लिए। जैसे कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन रूप एक ही रहता है कुछ शब्दों का, कैसे? भाई, पानी, पेड़, चावल, अंगूर, सोना, भीड़, खरगोश, बरसात, टेलीफोन, आम आदि। इन सबको हम एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग करते हैं। तो क्या सीखा हमने? जिन संज्ञा शब्दों से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन।